जबलपुर जिले में ठेकेदारों के द्वारा अनाप शनाप रेट पर दारू बेची जा रही है। शासन द्वारा निर्धारित एमआरपी से काफ़ी ज़्यादा रेट अवैध रूप से ग्राहकों से वसूला जा रहा है, जिसका फायदा शराब तस्कर उठा रहे हैं। पड़ोसी जिलों में शराब के रेट कम हैं और वहाँ के ठेकेदार एमआरपी ज़्यादा होने के कारण बड़ी कमीशन में तस्करों को शराब को उपलब्ध करा देते हैं। जबलपुर में 2 दिन का लॉकडाउन होने के कारण अवैध शराब की बिक्री जोरों पर हो जाती है, जिसको देखते हुए जमाखोरी का बाजार भी गर्म होने लगा, जिसकी वानगी देखने मिली जबलपुर के थाना विजयनगर में, जहां पर मुखबिर की सूचना पर आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दमोह और कटनी से लाई गई 7 लाख से ज़्यादा की देसी अवैध शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। दरअसल विजयनगर के पास लावारिस खड़े एक टाटा ट्रक में देसी और विदेशी शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिसकी सूचना मुखबिर ने आबकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस आबकारी पुलिस और थाना विजयनगर पुलिस ने ट्रक से भरी 7 लाख से ज़्यादा की अवैध देसी और विदेशी शराब जब्त करते हुए शराब माफियाओं की तलाश में जुट गई है। इस दौरान आबकारी पुलिस को मुखबिर ने दोबारा सूचना दी कि कटनी में एक हुंडई कार में भी शराब भरकर लाई जा रही थी, जिस सूचना पर आबकारी विभाग ने उस कार को भी रोक लिया और उसमें भरी शराब की पेटियों को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि लॉकडाउन जब भी जबलपुर में होता है तो आसपास के अन्य ज़िलों से माल जो है तो जबलपुर में लाकर के खपाया जाता है, जिसमें देसी और विदेशी मदिरा के माल होता है। इसी सूचना पर जो है तो हम लोगों ने तीन अलग अलग टीम गठित करके और मुखबिरों के जाल बिठाया था, जिसमें से जो है तो 3 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि कटनी से एक ट्रक जो है तो आ रही है, जिसमें हो सकता है कि विदेशी मदिरा भरा हो, और वो गाड़ी जो है तो ट्रक जो है तो आकर के विजयनगर के JDA प्लांट नंबर 41 प्रिंस विराज होटल के आगे वहाँ पर जो है तो खाली मकान में आकर के रुका, और वहाँ जो है तो कोई लेबर नहीं मिल पाने के कारण, दिन में लेबर नहीं मिल पाने के कारण जो है तो वो गाड़ी खड़े करके और शायद लेबर की तलाश में कहीं गया होगा। उसी वक्त जो है तो हम लोग वहाँ पहुँच गए तो फिर दोबारा वहाँ आरोपी आया ही नहीं, और उसको खोलकर देखने से जो है तो देखने में 132 पेटी देसी और विदेशी मदिरा भरी हुई है। उसको जब्त करके और हम लोग कंट्रोल रूम जा ही रहे थे कि उसी वक्त एक और सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी हुंडई एक्सेंट कार, जिसमें जो है जो दमोह की तरफ से आ रही है, उसमें भी जो है तो विदेशी मदिरा हो सकता है, उसकी तलाशी लेने पर जो है तो ज़रूर विदेशी मदिरा मिलेगा। तो उसको जो है तो कटंगी बाईपास के पास जो है तो रोक करके और तलाशी ली गई, तो उसमें जो है तो 7 पेटी रॉयल सेलेक्ट विदेशी मदिरा बरामद की गई, जिसमें जो है तो एक आरोपी भी मिला हुआ है, जिसका नाम राकेश प्रधान है। उसको जो है तो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक और गाड़ी जो वर्षा मारुति सुजुकी का है, उसमें भी 12 पेटी देसी मदिरा जो है तो बरामद की गई। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।